प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 77% से अधिक हो गई। देश भर में कोरोना से अब तक 37 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मृत्यु दर भी घटकर 1.65 हो गई है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस के टीके के परीक्षण को फिर से बहाल कर दिया है। देश के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए इस वर्ष 16 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने आज होने वाले नीट परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कराया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना काल में परीक्षा के लिए मानसिक रूप से छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में एनटीपीसी द्वारा विकसित कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने दक्षिण बिहार की 4 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करते हुए कहा कि अगली बार सरकार बनने पर हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम की महिला एकल का फाइनल खिताब अपने नाम किया।